हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बड़ी खबर, दीपावली पर कर्मियों को होगा डबल फ़ायदा। महंगाई भत्ते के साथ मिल सकती है ये बड़ी सौगात। कस्तूरबा स्कूल में होगी अब इंटर तक की पढ़ाई, शासन से मिली मंजूरी। मानदेय पर शिक्षिकाओं की होगी तैनाती। प्रसिद्धी विद्यालयों में MDM के खाता संचालन पर BSA हुए सख्त, पत्र को लेकर मचा हड़कंप। स्कूल पहुंच DM ने प्रसिद्धी बच्चों को बांटे नोटबुक, पूछे या सवाल। अब स्कूलों में नए रसोइयों की होगी तैनाती। बेसिक शिक्षा की सूरत बदलने में शिक्षकों का सहयोग करें प्रधान, डॉक्टर रमापति राम। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किस मैन के हैब यूट्यूब चैनल पर। बड़ी खबर, दीपावली पर केंद्रीय कर्मियों को होगा डबल फायदा। महंगाई भत्ते के साथ मिल सकती है ये बड़ी सौगात। दीपावली पर केंद्रीय कर्मियों को होगा डबल फायदा, महंगाई भत्ते के साथ मिल सकती है ये बड़ी सौगात। नई दिल्ली, केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को इस दीपावली पर डबल फायदा होने की उम्मीद है। 1 जुलाई से देय 4% महंगाई भत्ते की घोषणा के अलावा सरकारी मुलाजिमों को कोरोना संक्रमण के दौरान 18 माह का बकाया एरियर भी दिया जा सकता है। मौजूदा समय में 34% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर इसमें 4% की बढ़ोतरी होते हैं तो DADR की दर 38% हो जाएगी। इसके लिए केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कर्मियों ने अब पुरानी पेंशन का मुद्दा भी उठा दिया है। इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार अपने कर्मियों और पेंशनरों को DADR व कोरोना काल के समय का 18 माह का एरियर देकर कुछ समय के लिए शांत कर सकती है। आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन या पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। ये कर्मियों का वैध अधिकार है, इसका भुगतान कानून के मुताबिक होना चाहिए। सरकार ने ऐसे बचाए 4,000 करोड़ रुपये। केंद्र सरकार ने 2020 में शुरू में यह घोषणा कर दी थी कि सरकारी कर्मियों को DADR व दूसरे भत्ते नहीं मिलेंगे। श्री JCM के सदस्य सी कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने COVID-19 के आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के DADR पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोककर 40,000 करोड़ रुपये बचा लिए थे। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इनमें एरियर का एकमुश्त भुगतान करना भी शामिल था। स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा व अन्य सदस्यों ने एरियर जारी करने को लेकर सरकार से यह भी कहा था कि अगर वह किसी दूसरे तरीके पर चर्चा करना चाहती है तो कर्मचारी संगठन उसके लिए भी तैयार हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के बाद जब DA देने की घोषणा की थी तो इस बात का उल्लेख किया था कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक DA व DR की दर 17% ही मानी जाएगी। जुलाई 2021 से 28% के हिसाब से दिया गया भत्ता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि अब 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं की। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए DA की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच DA में इकाई 11% की वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में DA की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक DADR फ्रीज कर दिया गया था। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने JCM की बैठक में एरियर के इस मुद्दे को उठाया। स्टाफ साइड की तरफ से केंद्र सरकार को बता दिया गया कि उसे कर्मियों के एरियर का भुगतान करना ही होगा, इसे लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता। कस्तूरबा स्कूलों में होगी अब इंटर तक की पढ़ाई, शासन से मिली मंजूरी। मानदेय पर शिक्षिकाओं की होगी तैनाती। प्रतापगढ़ जिले के सड़वा चंद्रिका कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में बालिकाओं को अब इंटरमीडिएट तक की शिक्षा मिलेगी। शासन ने इसकी मंजूरी दे दी है। यहां मानदेय पर शिक्षिकाओं की तैनाती की जाएगी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिले के 15 ब्लाकों में कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल खुले हैं। इन स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिवगढ़, सड़वा चंद्रिका, रामपुर, संग्रामगढ़ और लक्ष्मणपुर कस्तूरबा गांधी स्कूलों को उच्चीकृत कर इंटरमीडिएट करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। शासन ने सड़वा चंद्रिका कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को इंटरमीडिएट तक शिक्षा देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग को मानदेय पर शिक्षिकाओं की तैनाती करने और भवन निर्माण के लिए एस्टीमेट बनाने के लिए कहा गया है। कस्तूरबा गांधी स्कूल में मुफ्त शिक्षा के साथ रहने, खाने, सोने की व्यवस्था होगी। स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को कॉपी, किताब और ड्रेस भी मुफ्त में मिलेगा। इससे गाँव की गरीब परिवार की बेटियाँ इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कर सकेंगी।
विकासखंड सड़वा चंद्रिका की कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में इंटरमीडिएट तक कक्षाएं संचालित करने की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही स्कूल परिसर में नए भवन का निर्माण कराया जाएगा। शंकर सुमन डीसी बालिका शिक्षा बीसी शिक्षा विभाग प्रसिद्धि विद्यालयों में एमडीएम के खाते संचालन पर बीएसए हुए सख्त, पत्र को लेकर मचा हड़कंप। प्रतापगढ़ प्रसिद्धि विद्यालयों में एमडीएम खातों के संचालन प्रबंध समिति के अध्यक्ष के साथ कराए जाने को लेकर बीएसए ने कड़ी नाराजगी जताई है। जिले के बीएसए भूपेंद्र सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर हर कीमत पर ग्राम पंचायतों के गठन के बाद एमडीएम खातों का संचालन प्रधानाध्यापक एवं प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से ही कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को बीएसए का पत्र यहाँ पहुँचने से प्रसिद्धि विद्यालयों में हड़कंप का माहौल दिखा। बीएसए ने पत्र में कहा कि किसी भी विद्यालय में एमडीएम खातों का संचालन एसएमसी अध्यक्ष के साथ नहीं संचालित कराया जाना चाहिए। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों को आगाह किया कि यदि एमडीएम खाते के संचालन में नियम की विपरीत शिकायत मिले तो संबंधित प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी प्रभाकर यादव ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों के खातों का बैंकों के अभिलेखों के जरिए परीक्षण कर बीएसए को शीघ्र रिपोर्ट भेजी जाएगी। बीएसए के एमडीएम खातों के संचालन को लेकर तल्ख तेवर की यहां प्रसिद्ध विद्यालयों के साथ बीआरसी केंद्र पर शिक्षकों में चर्चा भी सरगर्मी में दिखी। वहीं पत्र को लेकर प्रसिद्ध विद्यालयों में हड़कंप का माहौल भी बना हुआ देखा गया। स्कूल पहुंच डीएम ने प्रसिद्ध बच्चों को बांटे नोटबुक, पूछे है सवाल। सीतामढ़ी डीग ब्लॉक के कूड़ी कला गांव में समाज विकास मंच की ओर से सोमवार को सेवा पखवाड़ा के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और स्कूली बच्चों में नोटबुक वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिविर का उद्घाटन मुख्य जिलाधिकारी गौरांग राठी ने किया। उन्होंने सैकड़ों स्कूली बच्चों को नोटबुक वितरित कर उनसे प्रश्न पूछा और उनका हौसला बढ़ाया। डीएम ने स्कूल परिसर में पौधरोपण भी किया। कूड़ी कला गांव के मिडिल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में डीप सीएससी के डॉक्टरों की टीम ने कैंप लगाकर 350 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया। स्वास्थ्य शिविर में लगभग 60 बच्चों के स्वास्थ्य के परीक्षण में 20% बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले। इस तरह शिविर का लाभ बड़ी संख्या में महिलाएं भी लीं। अतिथि 95 नेत्र रोगियों की जांच डॉक्टर धीरज पांडे की टीम ने किया। मरीजों को दवाओं के साथ जरूरी परामर्श भी दिया गया। समाज विकास मंच के अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने जिलाधिकारी से छिछुआ, भुर्रा, गजादरपुर में कटान रोकने के लिए स्थायी हल निकालने की अपील की। इसके अलावा गाँव में चक्रोट सड़क के साथ बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने जिले के विकास की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। समाज विकास मंच ने छात्रों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी, कंप्यूटर और गांव की पंचायत के लिए साउंड सिस्टम भी दान किया। मौके पर सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर देवेश पांडे, वीडियो डी सुरेंद्र यादव, डॉक्टर कृष्णा अवतार त्रिपाठी, विधान चंद्र दुबे, जितेंद्र पांडे, जयप्रकाश पांडे, सुचन शुक्ल, आदर्श पांडे आदि रहे। औरैया जिले के प्रसिद्ध विद्यालयों में बच्चों को भोजन परोसने के लिए रसोइयों की तैनाती को हरी झंडी मिल गई है। बच्चों की संख्या बढ़ने पर स्कूल में रसोइयों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी। चयनित बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता मिलेगी। अभिभावक न मिलने पर प्रधानाध्यापक किसी भी महिला और पुरुष रसोई का चयन कर सकते हैं। जिले में 1265 प्रसिद्ध विद्यालय संचालित है। इसमें 206 उच्च प्राथमिक, 812 प्राथमिक और 247 कंपोजिट विद्यालय हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय और सहायता प्राप्त 56 विद्यालय सहित कुल 1321 विद्यालय हैं। शासन ने रसोइयों को चयन ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति से कराने के लिए कहा है। विभाग ने प्रधानाध्यापक से गांव में मुनादी कराकर सितंबर अंत तक चयन के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों की संख्या को रसोइयों के तैनाती का आधार बताया गया है। इसमें 25 बच्चों पर 1, 26 से 100 पर 2, 101 से 203, 203 पर 4 तथा 301 से 1000 पर 5, 1000 से 1501 पर अधिक छात्र संख्या होने पर अधिकतम 7 रसोइये रखे जा सकते हैं। बीएससी शिक्षा की सूरत बदलने में शिक्षकों का सहयोग करें प्रधान डॉक्टर रमापति राम। गौरी बाजार बीआरसी पर मंगलवार को संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधान व प्रधानाध्यापक के इस संयुक्त संगोष्ठी का शुभारंभ सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि प्रधान व प्रधानाध्यापकों के संयुक्त कोशिश से ग्रामीण शिक्षा की नींव मजबूत की जा सकती है। विकास के प्रथम पायदान पर ग्राम प्रधान होते ही हैं। कोरोना काल में सरकार ने लोगों के शिक्षा स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा। संकट में मिली डिग्री काफी नहीं है। छात्रों को सीखने की गति को तेज करना होगा। सरकार ने स्वच्छ जल के लिए अमृत सरोवर योजना पर काम कर रही है। रूल से काम नहीं चलता, उसके अनुरूप रोल का निर्वहन करना पड़ता है। ग्राम प्रधान व शिक्षकों से इसकी उम्मीद करते हैं। वीडियो विवेकानंद मिश्र ने कहा कि ग्राम प्रधानों को डीबीटी के माध्यम से भेजी गई रकम से ड्रेस, जूता, मोजा और बैग खरीदने के लिए अभिभावकों को जागरूक करना चाहिए। इसके पूर्व बीईओ पंकज कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। शिक्षिका गुंजा गुप्ता, निमसा यादव व प्रीति सिंह ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया। प्रस्तुत स्कूल परसोतिमा व रतनपुर के बच्चों ने स्वागत गीत व संचारी रोग जागरूकता पर नाटक प्रस्तुत किया। इस दौरान कायाकल्प का बेहतर कार्य कराने वाले 13 ग्राम प्रधानों को सांसद ने माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को डायरेक्ट प्रवक्ता एसपी सिंह, प्राथमिक शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह, बीईओ पंकज कुमार सिंह, बीपीएल शैलेंद्र कुमार ओझा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शैलेंद्र कुमार सिंह, संचालन विनोद कुमार मिश्र ने किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक, प्रधान, एआरपी,
मौजूद रहे। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।